मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर मैं कुछ कारणों के बारे में बताऊं कि आपको कुछ ऐसे लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का दस्तक है, कहीं ना कहीं ये बांझपन की समस्या हो सकती है, तो पहले मैं फीमेल की बात करती हूँ, फिर मैं मेल की बात करती हूँ कि कौन कौन से शरीर में बदलाव आते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ समस्याएं ग्रेजुअली उत्पन्न होती हैं। अब होता क्या है कि हमारी इतनी पुअर लाइफ स्टाइल होती है, हमारी जो वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है जिसमें हम अपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं, और उन सब का असर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। चाहे अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है, या कुछ और चीज़ें भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो आज मैं इनफर्टिलिटी की ऐसे कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कि अक्सर फीमेल ऐसा फील करती हैं और मेल भी फील करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज, अगर फीमेल नोटिस करें कि अगर उनकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, तो एक दिन दो दिन की बात नहीं है, पूरी लाइफ स्टाइल में अगर आपने अपने डाइट को गड़बड़ कर दी, आपकी जो न्यूट्रिशन की लेवल है जितना आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ प्रॉपर मात्रा में अगर एक्टिविटी भी आपका शरीर नहीं कर रहा है, तो उससे भी बहुत हद तक प्रॉब्लमें आती हैं। अब जैसे आप बोलिएगा कि मैं तो वर्किंग हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं काम करती हूँ और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी अगर आप एक्टिविटी की बात करें हैं, तो जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं घर से बाहर जाना, तो घर से बाहर जाने में अगर आप वॉकिंग को इंक्लूड करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घर से अगर बाहर जा रही हैं, अपने गाड़ी से जाती हैं आप, या फिर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, और शरीर की बेसिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज के रूप में आप कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ सिटिंग जॉब है, और खाने में बिल्कुल आप एकदम फास्ट फूड का सेवन करती हैं, जैसे कि झटपट रेडी टू ईट वाली चीज़ें आप जल्दी प्रेफर करती हैं उसको खाना, जितने प्रॉपर मात्रा में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छा लेना चाहिए, आप वो कुछ भी अच्छी तरह से नहीं ले रही हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आपकी पुअर लाइफ स्टाइल है, तो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे दस्तक देती है। अब ये पता कैसे चलता है कि इनफर्टिलिटी की दिक्कत महिलाओं को आ रही है, तो सबसे पहला दिक्कत आएगा आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। आपकी साइकिल या तो बहुत लंबी चलेगी या तो बहुत जल्दी जल्दी आपको पीरियड्स आएंगे, या 21 दिन से कम अगर आपको पीरियड की डेट आपकी चलती है तो वो भी गड़बड़ है, और अगर 35-40 दिन की लंबी लंबी साइकिल चलती है तो भी दिक्कतें हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल तो इतनी लंबी चलती है, दो दो महीने तीन तीन महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब तक वो दवाई नहीं खाती हैं तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं। यानी कि ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर में है, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये फर्टिलिटी का बहुत बड़ा एक हैम्पर क्रिएट करती है, आपको कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ है, आपको ओवुलेशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी फ़िक्स नहीं है, पीरियड की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप पीरियड में अपने देखते हैं कि ब्लड का जिस तरह का कलर होना चाहिए उस तरह का कलर नहीं होता है, बिल्कुल मटमैला कलर होता है, कई बार हल्का ग्रीनिश भी आपको दिखाई देगा, कई बार ब्राउनिश दिखाई देगा, कई बार तो बिल्कुल कम पीरियड आते हैं, दो दिन बस पीरियड रहते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये बहुत फाउल स्मेल भी आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, या तो आपके जितने भी ओवुलेशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं ये बताते हैं कि शरीर में अंडा अब अच्छी तरह से नहीं बचा हुआ है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पीरियड साइकिल किस तरह के चल रहे हैं। आप तो सबसे पहले फ्लो को भी नोटिस करिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको फ्लो आता भी है तो एक दिन के बाद आएगा फ्लो, और पहले दिन तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं आएगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी गड़बड़ है, और किसी किसी को रुक रुक के पीरियड्स आएंगे वो भी चीज़ें गड़बड़ है। तो अगर आपका प्रॉपर फ्लो जो 3 से 5 दिन तक अगर नहीं रहता है तो उसको हम लोग नियमित पीरियड नहीं मानते हैं, और अगर आपको नियमित पीरियड काफ़ी लंबे समय तक है, ऐसे आप देख रहे हैं कि बार बार आपकी पीरियड साइकिल गड़बड़ हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ हो सकती है, इनफर्टिलिटी आपके घर में दस्तक दे रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लिबिडो कम हो गई है, अगर आपको अनिच्छाएं होती हैं, रिलेशनशिप प्लान करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ये भी इनफर्टिलिटी के दस्तक हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर चल रहे हैं, आपके हार्मोन की गड़बड़ी चल रही है जिसकी वजह से आपकी लिबिडो बहुत ही कम फील हो रही है, जितने भी आपके हार्मोन्स जितने निकलने चाहिए उतनी प्रॉपर मात्रा में उनका रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब इनफर्टिलिटी शायद आप उससे ग्रसित हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ले दे के रिलेशनशिप प्लान भी करते हैं, तो आपको रिलेशनशिप के दौरान आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन होती है, आपको ड्राइनेस महसूस होती है,
ये भी कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं होते हैं, क्योंकि सही टाइम पे आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सारे के सारे हार्मोन गड़बड़ हैं। अगर हार्मोन की गड़बड़ी चलेगी तो आपको प्रॉपर मात्रा में आपके सर्वाइकल म्यूकस भी नहीं बनेंगे, और इस म्यूकस की अगर कमी रहेगी तो आपको रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉमन रूप से देख रहे हैं तो आपको ये लॉन्ग टर्म पर परेशानी हो सकती है, अगर आप भले ही ना ट्राई कर रहे हों, अगर प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोच रहे हों। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें कॉमन रूप से आपको दिखाई दे रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी आप फेस कर सकती हैं। वहीं पर अगर फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो होता है, बहुत सारी महिलाएं कितना भी ज़्यादा वर्कलोड उनको हो, कितना भी ज़्यादा उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। बाहर के जो खान पान है वो तो अलग ही अलग है, लेकिन जिनके नॉर्मल डाइट है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, बेसिकली उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन फिर भी उनका वजन है बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। वो कोशिशें भी करती हैं तो अच्छी तरह से अपने वजन को कम नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वेट गेन होने की जो टेंडेंसी है वो अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में भी परेशानी हो सकती है। और रही बात कि बहुत सारी महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या होती है, उनको बाल लगेगा कि पहले मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने हुआ करते थे लेकिन अब बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक छठा बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपको हेयर फॉल बहुत जल्दी जल्दी होगा। सातवां इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि महिलाओं की जो फेस की जो चमक थी, पहले जो निखार आता था, उतना निखार आप फील नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक्ने महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल, मुहासे या फिर आपको झाइयाँ जैसी चीज़ें दिख रही हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, तो ये भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम की जो हार्मोन की गड़बड़ी है वो दर्शाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके फेस पे, आपके हेयर पे ज़रूर दिखेगा। तो इन सब बातों को समझ करके आपको सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब इनफर्टिलिटी आ रही है। तो अगर आप बेबी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें और सारी रिपोर्ट ज़रूर कराएं। रिपोर्ट्स अगर आप कराते हैं वहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर होती हैं, तो कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि LH की वैल्यू, FSH की वैल्यू क्या चल रही है, कहीं आपके शरीर में प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपके हार्मोन की टेस्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट है वो भी आप ज़रूर करा के देख लीजिए, ताकि पता चल सके कि कहीं पर भी कोई ऐसी डायबिटिक समस्या भी तो नहीं आ रही है, या फिर कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको बेबी प्लानिंग करने में भी आसानी होगी। वहीं पर आपको कुछ और भी संकेत बताऊंगी जो कि मेल फेस करते हैं। तो मेल के साथ एक बेसिकली एक प्रॉब्लम ये होता है कि जनरल केसेस में देखा जाता है कि उनकी लिबिडो धीरे धीरे अगर कम होती है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस में दिक्कतें आती हैं, उनको परेशानी होती है, जो भी चीज़ें वो पहले कर रहे होते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने के भी कारण आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिकली आपको अंतर आ रहा है। रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस अगर आ रही हैं, पहले जो चीज़ें होती थी वो अब नहीं आ रही है, या आपकी लिबिडो बहुत कम हो गई है। और इनफैक्ट मैं दोनों ही पर्सन के लिए बोलूँगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, हमारे वर्क लोड इतना ज़्यादा होता है, काम की इतनी भागदौड़ होती है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का इतना ज़्यादा वर्क लोड है, तो ऐसे केस में आपका कहीं ना कहीं हार्मोन डिस्टर्ब होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जिससे कि आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ होंगे। हार्मोन गड़बड़ होंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो आपको स्ट्रेस को कैसे कम करना है इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन स्ट्रेस को कम करने के लिए आप स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा मेरा टेंशन रिलीव हुआ, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म पे आपको नुकसान कर सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इन बातों का आप बेसिकली ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसलिए समय रहते अगर आप प्लानिंग भी करते हैं बेबी की तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही अगर आपकी उम्र 35 प्लस होती है आपको कंसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। लेकिन जो आपकी अगर फर्टाइल, अगर आपका जो डेज है या फिर जो एनर्जी जो आप 20 साल 25 साल में महसूस करती हैं, वो एनर्जी और वो चेंजेस आपके शरीर में धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और उन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से आप बैक रिवर्स अपने आप को 20 साल का नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना के आप कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अंडा
और एक हेल्दी जो मेल के सेल हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसे बाकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है कि आपके सेल्स कमज़ोर हैं या फिर आपकी लो एएमएच की समस्या, आपको सिर्फ एक के ऊपर काम करना है। आप उसी एक के ऊपर अगर आप काम कर लीजिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसलिए हताश निराश बिल्कुल मत होइए कि आपकी उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और ये सबके साथ होने वाला है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि अब आपको बहुत लेट हो गया। लेट कुछ नहीं होता है, आप डॉक्टरी मदद लीजिए। मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो एक बार आप डॉक्टर से विजिट करिए, सारी बातों को समझिए, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करिए और अच्छी मात्रा में पानी का भी सेवन ज़रूर करें। जितनी अच्छी मात्रा में पानी पीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक अच्छा रखिएगा, तो आपके जो टॉक्सिन्स है जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं वो सब कुछ फ्लश आउट हो जाएंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सारी अच्छी लगी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बताए हैं, उसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहें जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। कुछ डाइटरी चेंजेस भी करिए, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए और आपकी प्रेगनेंसी यूँ रुकेगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।